माँ भगवती की 108 सिद्ध पीठ में मध्य प्रदेश की विंध्यवासिनी स्वयं माहेश्वरी देवी का मंदिर भी शामिल है। माता का यह मंदिर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की पवित्र नगरी माहेश्वर के भवानी चौक में मौजूद है। क्षेत्र में यह मंदिर भवानी माता के नाम से प्रसिद्ध है। शारदीय नवरात्रि में माता के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। मंदिर में विराजित लगभग 3 फीट ऊंची माँ भवानी की प्रतिमा काले पाषाण के पत्थर से निर्मित है। माता को 16 हाथ यानी 9 मीटर की साड़ी पहनाई जाती है। मंदिर के पुजारी पंडित विलास झावरे एवं पंडित नरेंद्र काशीराम झावरे बताते हैं कि विंध्यवासिनी स्वाहा माहेश्वरी देवी का यह मंदिर काफी प्राचीन है। मत्स्य पुराण के 13वें अध्याय में वर्णित 108 सिद्धपीठ में यह मंदिर शामिल है। माता का स्वाहा अंग यहाँ गिरने से यह स्वाहा शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुई है। देवी पुराण में भी मंदिर का उल्लेख मिलता है। होलकर स्टेट की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। मान्यता है कि विश्व की पंचुरे में भी यह मंदिर शामिल है। नवरात्रि में माता की भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है। मान्यता यह भी है कि यह मांगी हुई कोई भी मुराद खाली नहीं जाती। नवरात्रि में भव्य रूप में सार्वजनिक गरबा महोत्सव मनाया जा रहा है। 9 दिनों तक स्थानीय और बाहर के अलग अलग गरबा नृत्य दलों द्वारा गरबा प्रस्तुतियां दी जा रही है। गरबा देखने वालों की भीड़ भी सबसे ज्यादा यहीं पर लगती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर 9 दिवसीय मेले का भी आयोजन हो रहा है। मेले में करीब 150 से ज्यादा विभिन्न सामग्री की दुकानें लगी है। इसके अलावा बच्चों और बड़ों के लिए यहाँ पर कई तरह के झूले लगाए गए हैं, जिनमें झूल कर और मेले का आनंद उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नरेंद्र काशीनाथ जी झावरे, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। और 108 देवियों की जो पीठ है उसमें स्वाहा पीठ, स्वाहा अंग यहाँ पे गिरा था। स्वाहा अंग के नाम से ये पीठ स्थापित है। और इसका देवी पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है, तो काफ़ी पुराना है। उसके बाद में जीर्ण अहिल्या माँ साहब ने जीर्णोद्धार इसका किया था। कम से कम ये 500 साल पुराना है। है वंश में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो वो उस समय से ये देवी माता की वो है, पाषाण की मूर्ति है। एक पाषाण जो पत्थर आता है उसकी मूर्ति है। यहाँ देवी माँ भवानी माता के नाम से प्रसिद्ध है। स्वाहा स्वाहा पीठ है ये, तो भवानी प्राचीन नाम जो है इसका, मतलब तो वर्तमान नाम भवानी माता के नाम से प्रसिद्ध होता है। और यहाँ पर नवदुर्गा में विशेष वो रहता है, माँ भवानी माता 3 रूप बदलती है, सुबह प्रातः दोपहर और शाम को। 9 दिन का एक उत्साहपूर्वक होता है, और 9वें दिन में नवमी को यहाँ हवन भी होता है। बीच में 2-3 बार यहाँ सचंडी यज्ञ भी हमने करवाए हैं। मंदिर में किस तरह की पूजा अर्चना होती है? यहाँ देवी पाठ होता है, मंदिर में देवी पाठ होता है, श्रृंगार होता है 2-3 समय अलग अलग। विशेषता ये है कि माता जी को 16 हाथ की साड़ी लगती है, जो एक सामान्य 9 मीटर बोलते हैं उसको, 16 हाथ की साड़ी वो चढ़ती है। वो पूरी मूर्ति में मतलब श्रृंगार करते हैं। हाँ, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो आके यहाँ अपनी मन्नत पूरी करते हैं, और जो मन्नत लेते हैं उनकी मान्यता पूरी भी होती है। ये अहिल्या ट्रस्ट के अंतर्गत आता है, और खासगी ट्रस्ट में इसका रिकॉर्ड वहाँ है उपलब्ध। क्या नाम है आपका, कौन सी जगह, क्या मंदिर है ये? बस स्टैंड भवानी माता मंदिर महेश्वर, विंध्यवासिनी स्वाहा के नाम से है। 108 शक्तिपीठों में है ये। क्या मंदिर है, क्या इतिहास, कितना पुराना है ये? अहिल्या माँ साहब से भी पुराना है। पांडे, लोकलेट खरगोन।